कुछ महीने पहले डिज्नी ने अपनी अगली फिल्म मुफासा द लायन किंग का टीजर रिलीज किया था, बट सोशल मीडिया पे देखे तो फैंस उतने एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि मुफासा की बैक स्टोरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। बट मैं तो काफी एक्साइटेड था इस फिल्म के लिए। इसका ट्रेलर रिलीज आज हो चुका है और ट्रेलर देख के शायद काफी लोगों को इस फिल्म के लिए एक अलग एक्साइटमेंट आएगी क्योंकि ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा है। ट्रेलर से हमें फिल्म के कुछ क्लिप्स मिले हैं कि फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। राफिकी टीमोन और पुम्बा के साथ सिम्बा और नाला की बेटी कियारा जो है उसको कहानी सुनाता है, जिसमें हम बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं मुफासा की, जिसमें उसके बचपन की बात करते हैं जब स्कार और मुफासा छोटे बच्चे थे, जब मुफासा और स्कार की पहली जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि वो लोग कैसे मिले थे। मुफासा। स्कार जो कि द लायन किंग में विलन था वो उस टाइम पे प्रिंस था, मतलब स्कार के पापा किंग थे। तब उसे मुफासा मिला था जो कि खो गया था अपनी फैमिली से। किंग एक आउटसाइडर को उसके साथ रखने से मना करते हैं, पर टाका जो कि असली नाम है स्कार का जिसका मीनिंग होता है डर्ट या फिर डस्ट, उसकी और मुफासा की काफी अच्छी गहरी दोस्ती तब तक हो चुकी थी। किंग का कहना था कि अगर वो हमारे साथ रहेगा तो शायद टाका किंग ना बने। अब उसे जब बाहर दुनिया में जाके अपना खुद का सर्कल बनाना होता है तब वो दोनों ब्रदर्स के सामने एक मुश्किल आ जाती है और जो जीत पाएगा वो ही लायन किंग बनेगा। There will be one lion king. अब इस कहानी में हम शायद एंड में ये देखेंगे कि मुफासा किंग बन चुका है और स्कार किंग नहीं बन पाया है। अब वो नाराज क्यों हुआ, उसको मुफासा की तरफ इतनी नफरत क्यों आ गई, वो हमें एंड में पता चलेगा। जितना ट्रेलर में हमें दिखाया है उससे मुझे लगता है कि ट्रेलर में हम दो बार सुनते हैं कि स्कार कहता है मुफासा को कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। But Dad, I saved his life. We're alive. I did it. I saved us. अब इतना सब करने के बाद भी अगर स्कार किंग नहीं बना तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा मुफासा पे। एक तो उसके पापा किंग है, उसके बाद वो खुद किंग नहीं बना, तो शायद उस कारण से वो मुफासा को हेट करने लगेगा। ये हमें फिल्म के एंड में पता चलेगा कि असल में क्या होता है। मुफासा द लायन किंग रिलीज होने वाली है 20 दिसंबर को। फिल्म में लिन मैनुएल मिरांडा का ओरिजिनल सॉन्ग भी होने वाला है और बैरी जेंकिंस ने इसे डायरेक्ट की है जिसने पहले ऑस्कर विनर फिल्म मूनलाइट डायरेक्ट की थी। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कैसे होने वाली है, क्या इसकी जरूरत थी या नहीं थी? और ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें। ऐसे ही अमेजिंग मूवीज सीरीज रिव्यूज सजेशन के लिए फाइंड माय फिल्म को सब्सक्राइब करें और हाँ ये वीडियो जरूर देखना।